हेलो स्टूडेंट्स, O2U एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने HPS प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पे डी रॉ सीरीज़ को ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने MCQs के द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अभी हम जुलाई और अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी आपका आज जो है लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम बची हुई जो इन्वायरमेंट की न्यूज़ है उसको कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2U एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कि कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर इस करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया हुआ है, आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, चाहे वो प्री की हो चाहे वो मेंस की हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने कंडक्ट करी है। इसके अंदर इन्होंने ये जो गार्डन लिजर्ड है, जिसको हम पेनिनसुलर रॉक एगामा या फिर साउथ इंडियन रॉक एगामा के नाम से जान रहे हैं, इन्होंने इस गार्डन लिजर्ड को इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ लिंक किया है। उन्होंने बोला है कि ये जो लिजर्ड है अगर एक पर्टिकुलर एरिया पर देखने को मिल रही है तो दैट मीन्स उसकी जो पॉपुलेशन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अफेक्टेड रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो गार्डन लिजर्ड है वो कई इंसेक्ट्स वगैरह को खाती है और इसके अलावा भी अपनी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट नहीं कर सकती है। इसको आसपास की इन्वायरमेंट में जो हीट है उसकी ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से हम आसपास के इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली इस स्टडी को कंडक्ट करा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली बहुत सारी यहाँ पर जो रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, उसको रामसर लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। जैसे कि अब जो इंडिया के अंदर रामसर साइट्स हो गई हैं उसका टोटल नंबर 75 हो चुका है। जुलाई के मंथ में भी बहुत सारी ऐड की गई थी, अगस्त के मंथ में भी यहाँ पे बहुत सारी आपको रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड करी गई हैं। अगर मैं रामसर साइट की कन्वेंशन के बारे में बात करूं तो यूनेस्को की ये एक कन्वेंशन है जो कि 1971 में इसको साइन किया गया था ईरान की एक सिटी में जिसका नाम है रामसर। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं जिनको कि हम वेटलैंड्स कंसीडर करते हैं और उन वेटलैंड्स को इस रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इनका सिग्निफिकेंस जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कौन कौन सी साइट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। जो भी साइट्स आपको ब्लू कलर में यहाँ पर दिख रही हैं तो ये साइट्स जो हैं अगस्त मंथ में जो 10 साइट्स को ऐड किया गया है। इसके अलावा जो आपको येलो कलर में दिख रही हैं तो जो उसके बाद 11 साइट्स को ऐड किया गया है, ताकि हमारा जो टोटल नंबर है अब कितना है 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ पे जो रामसर साइट्स होती हैं उसमें जो भी इकोसिस्टम होता है ज़्यादातर वो पानी के अंदर सैचुरेटेड रहता है। दैट मीन्स उस एरिया के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर आपको ज़्यादातर पानी देखने को मिलेगा और ज़्यादा जो सॉइल होती है वो पानी में सबमर्ज रहती है, जिनको हम कई बार वेटलैंड के नाम से भी बोल देते हैं या फिर पीटलैंड के नाम से भी बोल देते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। सिग्निफिकेंस इस वे में रहता है क्योंकि ये हमारी अर्थ की 6% एरिया को कवर करता है जो भी वेटलैंड्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करूँ दैट मीन्स ये अपने इस इकोसिस्टम के अंदर कितने फ्लोरा और जो फौना है वो देखने को मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी जो 40% प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं वो आपकी वेटलैंड्स में देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से इन वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए जो वेटलैंड्स होते हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह बिहेव करते हैं, या फिर वेटलैंड्स के अंदर ऐसे बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उनको सिक्वेस्टर करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, इस वजह से इन साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसके अंदर उन्होंने एक नए एलिफेंट रिजर्व को एक लिस्ट में, एलिफेंट रिजर्व्स की लिस्ट में ऐड किया है। तो अभी इस लिस्ट के बाद हमारे टोटल जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो 32 हो गए हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन से रीजन के अंदर इस एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाई किया गया है तो दैट इज़ तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इस एलिफेंट रिजर्व को देखा गया है। तो अभी तमिलनाडु के अंदर टोटल 5 एलिफेंट रिजर्व्स हो गए हैं। इसके अलावा इससे पहले 2018 के अंदर नागालैंड वाले रीजन में एक एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाई किया था। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन होल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो ओजोन होल है वो एंटार्क्टिका वाले रीजन में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो रिसेंटली स्टडी कंडक्ट करी गई है उन्होंने ये बताया है कि अर्थ के जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, ट्रॉपिक्स वाला रीजन क्या होता है बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्रीज पे होता है। इन द सेम वे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 22.5 डिग्रीज नॉर्थ, और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दैट इज 22.5 डिग्री जो साउथ के बीच में लोकेटेड होता है, इन लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड रहता है। तो ये वाला जो रीजन है वो आपके ट्रॉपिक्स के अंदर काउंट होता है। तो अभी रिसेंटली जो ओजोन होल डिटेक्ट किया गया है वो आपके ट्रॉपिक्स वाले रीजन में डिटेक्ट किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। इसके अलावा अगर मैं ओजोन होल के बारे में बात करूं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसमें जो आपकी सेकंड लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, उसके लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोनोस्फेयर देखने को मिलेगा। और जो ओजोनोस्फेयर होता है वो सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि ये जो बैड यूवी रेज हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ना करें या फिर हमारे अर्थ के अंदर एंटर ना करें, क्योंकि ये जो बैड यूवी रेज होती हैं ये कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो अब क्योंकि ओजोन होल देखने को मिल रहा है दैट मीन्स यहाँ पर जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। तो दैट मीन्स अब जो बैड यूवी रेज है वो इस थिन ओजोन लेयर से अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो रिसेंटली ये देखा गया कि गुजरात के अंदर सिर्फ 4 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करूं तो ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लाई करती है, और ये जो बर्ड है आपको ज़्यादातर ग्रासलैंड वाले एरिया में देखने को मिलेगी, जैसे कि राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया। सबसे ज़्यादा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हमारे इंडिया के अंदर राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलती है। जैसे कि आप जान सकते हैं 122 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है 150 में से वो सारी की सारी कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान के अंदर। इसके अलावा भी आपको कुछ जो पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है वो अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलेगी, जैसे राजस्थान और गुजरात का तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हो गया। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसकी जो पॉपुलेशन है वो इसीलिए कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत सारे ऐसे रिस्क रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी इनकी बहुत ज़्यादा जो हैबिटेट है वो लॉस देखने को मिल रहा है, इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काराकोरम एनोमली के बारे में। तो रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई है जिसके अंदर ये देखने को मिला है कि काराकोरम एनोमली जो है इसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सबसे पहली बात काराकोरम एनोमली है क्या और यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पामिर नॉट के बारे में, जिससे आपको बहुत अलग अलग जो माउंटेन रेंजेस हैं वो देखने को मिलेगी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी हिमालयाज यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा आपको नॉर्दर्न इंडिया वाले पोर्शन में काराकोरम जो रेंजेस हैं वो देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कि काराकोरम एनोमली है क्या। तो जो भी पामिर नॉट से यहाँ पर ग्लेशियर्स या फिर माउंटेन रेंजेस आ रही हैं, उन माउंटेन रेंजेस पे जितने भी ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं वो सारे के सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से रिट्रीट हो रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पे उनके अंदर मेल्टिंग देखने को मिल रही हैं सिवाय एक रेंज के। दैट मीन्स यहाँ पे काराकोरम के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं उनके अंदर मेल्टिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे स्टडी कंडक्ट करवाई गई कि बाकी सारे ग्लेशियर में तो मेल्टिंग हो रही है, काराकोरम वाले में मेल्टिंग क्यों नहीं हो रही है। तो इसकी यहाँ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बेसिकली ये एक विंड सिस्टम है जो कि मेडिटेरियन वाले रीजन में यहाँ पर ओरिजिनेट करती है और इंडिया के अंदर जो विंटर रेनफॉल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आने की वजह से यहाँ पे काराकोरम के अंदर ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलती है, इस वजह से जो ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही है वो कम देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू डिपोजिशन ऑफ द स्नो। तो दैट मीन्स बाकी के जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो रही हैं, मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन काराकोरम के अंदर डिपोजिशन ऑफ स्नो देखने को मिल रही है। दिस इज नोन एज काराकोरम एनोमली। तो इसका भी जो फैक्टर है या फिर इसका जो रीज़न है वो भी फाइंड आउट कर लिया गया है दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। तो ये आपके प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्री के लिए कि ये IUCN की कौन सी कैटेगरी में लाई करती हैं या फिर कौन से रीजन में ये देखने देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेन्स के बारे में बात करूँ तो आपको एंटोमोफिली के बारे में पता होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे इंसेक्ट्स और जो बटरफ्लाइज वगैरह रहती हैं तो उनकी वजह से जो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और उस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। तो अगर एक फ्लावर में से मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ट्रांसफ़र करना हो तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंसेक्ट्स रहते हैं, बटरफ्लाइज रहती हैं, बीज रहती हैं, वो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो ये तो आपका मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अगर मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करूँ तो जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो आपको अमेरिका वाले रीजन में बहुत ज़्यादा दूर तक देखने को मिलती हैं, इधर से उधर जलती रहती हैं। इसके अलावा IUCN की कैटेगरी के अंदर इसको इंडेंजर्ड की लिस्ट में यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है। और इसके अलावा भी जो बटरफ्लाई हैं बहुत सारी इकोनॉमिक जो आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जैसे ये एक फूड वेब का पार्ट भी बन जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि रिसेंटली एक एल्बेट्रॉस है जो कि एंटार्क्टिका सी वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है, लेकिन अभी रिसेंटली वो तमिलनाडु वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिली है। तो बेसिकली साइंटिस्ट जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं कि एंटार्क्टिका सी में जो बर्ड स्पीशीज़ है वो यहाँ पर तमिलनाडु वाले रीजन में क्या कर रही है। इवन आपके तमिलनाडु के नीचे जो पार्क बे और रामेश्वरम आइलैंड वाला रीजन है वहाँ पर ये जो बर्ड स्पीशीज़ है वो देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो कन्फ्यूज़ हैं इसलिए कि क्या इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो कंडीशन है क्या इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि ये जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पे साउथ एशिया वाले रीजन में देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पे इस स्पीशीज़ के तमिलनाडु वाले रीजन में आने की वजह से साइंटिस्ट जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये क्या कोई माइग्रेटरी रूट हो सकता है, क्योंकि अभी तक एंटार्क्टिका सी वाले रीजन से साउथ एशिया वाले रीजन में कोई भी माइग्रेटरी रूट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे पहली बार ये जो स्पीशीज़ है वो एंटार्क्टिका सी से तमिलनाडु वाले रीजन में आई है। तो ये एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है। तो इसके लिए भी बहुत सारी ऑफकोर्स स्टडीज़ वगैरह कंडक्ट करी जाएंगी और इसका रीजन ढूंढा जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक हर एक जो न्यूज़ है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।